और हमने ये तय किया है कि रोड भी अच्छे बनाएंगे और फ्यूएल को भी बदल देंगे तो राजस्थान में हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी क्योंकि हम आने वाले 2024 समाप्त होने के पहले हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी नाइन परसेंट पे लाने का हमने संकल्प किया है तो ये जो छह सात परसेंट की बचत होगी इससे एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटेटिव बनेंगे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना है अब जिसको हम जयपुर तक और नए रोड से जोड़ रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं मैं अभी झकोसला गया था प्राग में और वहाँ से मैं स्कोडा फैक्ट्री में गया था एक जगह पर ऊपर में रेलवे जैसी इलेक्ट्रिक केबल रोड पर लगाकर तीन बसेस को जोड़कर बस चलती है और ये जो बस चलती है इसको हम लोग जयपुर से दिल्ली ये पहला प्रयोग करने वाले है ये बस एयर कंडीशन होगी बिजनेस क्लास होगा हवाई जहाज जैसी सुविधा होगी सबको नाश्ता और चाय तो मिलेगा ही पर टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30 परसेंट कम होगा तो अब रोप वे केबल कार फैनकुलर रेलवे 200 प्रपोजल पर भी हमारे पास हम काम कर रहे जिसमें 10 का अभी और लगभग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान में मैं जब आया था तो मैंने बहुत बार कहा था मैं जब शिपिंग मंत्री था वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए थे और मैं खुद मुंबई के समुद्र में उसमें उतरा था बाद में मोदी जी ने मुझे कहकर वो भी साबरमती के वहाँ से उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे और ये बहुत सक्सेसफुल है राजस्थान ये झीलों का प्रदेश है और ये जो हवाई जहाज है ये एयर स्टिप पे भी उतरता है और पानी पे उतरता है जैसे एयरपोर्ट है वैसे रिवर पोर्ट भी बन सकते हैं और इसलिए आने वाले समय में राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसका भी आप जरूर उपयोग करिए इसका बहुत बड़ा फायदा होगा मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो काफी राजस्थान के प्रकल्प अटके हुए थे राज्यों में झगड़ा था लगभग अनेक प्रकल्प उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला और मुझे याद है कि जो इंदिरा कैनोल है उसके ऊपर हमने अढ़ाई हजार करोड़ रुपए कॉन्क्रीटिंग के लिए दिए थे वो करने के बाद राजस्थान के नौ जिलों को पानी मिलने वाला है वो काफी काम अब लगभग पूरा होने के कगार पर है और इसलिए मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति और समृद्धता और संपन्नता के साथ सिंचाई का संबंध बहुत ज्यादा है जैसे अर्बन क्षेत्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए वैसे रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल सेक्टर में भी होनी चाहिए और इसीलिए यहां के ट्राइबल सेक्टर में भी हम रोड बना रहे हैं जिसके कारण वहां भी उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा